एवरीवन, वेलकम टू आवर टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज स्टमक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। नाउ स्टमक क्या है? स्टमक इज द मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ गट। हमने देखा माउथ टू एनस, जो बॉडी का पोर्शन होगा इसी को हम बोलते हैं गट। गट के अलग अलग मेंबर्स है जिसमें स्टमक भी है। अब इसको डिस्टेंसिबल क्यों बोला? क्यों करके ये बहुत लार्ज एक्सटेंट तक ये एक्सटेंड हो सकता है, इसीलिए इसको बोला डिस्टेंसिबल, यानी अपने साइज से ये ज्यादा पोर्शन में फैल सकता है। ओके, अब स्टमक क्या है? स्टमक इज अ मस्क्यूलर जे शेप थिक वॉल्ड ऑर्गन। स्टमक क्या है? मस्क्यूलर। इसमें अलग अलग मसल्स प्रेजेंट होते हैं। मेनली जिन तीन मसल्स से ये बना है वो है आउटर लॉन्जिट्यूडनल, इनर ऑब्लिक एंड मिडल सर्कुलर मसल, जो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। अब स्टमक कहाँ लोकेट होगा? स्टमक विल बी लोकेटेड लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, अपर लेफ्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अपर लेफ्ट में स्टमक जो है वहां पर प्रेजेंट होगा। और बिलो किसके प्रेजेंट होगा? डायफ्राम। देखो, लंग्स, डायफ्राम, फिर स्टमक और फिर नीचे एब्डोमिनल कैविटी। दिस इज द स्टमक। अब स्टमक की अगर हम बात करें तो स्टमक इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। तो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक। नाउ स्टमक को अगर हम देखें तो इट इज मस्क्यूलर, रफली जे शेप, अल्फाबेट जे की तरह ये दिखता है, इसीलिए हमने बोला इसको रफली जे शेप ऑर्गन। नाउ स्टमक इज मेनली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। जो पोर्शन जहां से ईसोफेगस अंदर एंट्री लेगा वो है कार्डियक एपर्चर। यहाँ पर एक छोटा सा फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसको बोलेंगे कार्डियक एपर्चर। इस पोर्शन को हमारे सबसे पहले स्टमक के पार्ट को हम बोलेंगे कार्डियक पार्ट। ये पोर्शन क्या है? ईसोफेगस। ये क्या है? ईसोफेगस। ये क्या है? कार्डियक पार्ट जो है यहां पर होता है कार्डियक अपर्चर। नाउ यहां पर ईसोफेगस और स्टमक के बीच में ये जो कार्डियक पार्ट है, ये कार्डियक पार्ट जो है ये यहां पर एक वॉल से गार्ड होता है। गार्ड करना मतलब क्या? यहां पर जब काम रहेगा तो वॉल ओपन रहेगा और जब काम नहीं है तो इट विल रिमेन क्लोज। इसका नाम है कार्डियक स्पिंक्टर। क्या है? कार्डियक स्पिंक्टर। अब यहां पर स्पिंक्टर को रखने की जरूरत क्या थी? नाउ जब फूड हम खाएंगे तो फूड खाने के बाद ये फूड यहाँ स्टमक में आ जाएगा और फिर स्टमक में उसका डाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब जब फूड स्टमक में आएगा तो फूड वापस रिवर्स डायरेक्शन में रिगर्गेट नहीं हो, इसीलिए यहाँ पर इस गार्ड से उसको क्लोज कर दिया। ओके, क्लियर है? फिर उसके बाद जो कार्डियक एपर्चर है उसके अपर साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है ऊपर आया हुआ पोर्शन दिखेगा, इसी को हम बोलेंगे फंडस। स्टमक का अगला पार्ट क्या है? फंडस। जनरली इस फंडस में एयर या गैस प्रेजेंट होती है। नाउ मीड का पोर्शन जो हमको ये पूरा दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज बॉडी। इसको क्या बोलेंगे? बॉडी। और बॉडी के बाद जो ये जो बॉडी के पास आप देख सकते हो ये बड़ा सारा कर्व लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर छोटी कर्व है। जो बड़ी कर्व है इसको बोलेंगे ग्रेटर कर्वेचर। और यहाँ पर छोटी कर्व होने की वजह से इसको बोलते हैं लेसर कर्वेचर। ओके, नाउ बॉडी के बाद जो अगला हमारा पोर्शन है जो यहाँ पर प्रेजेंट है पोस्टीरियर साइड में, उसको हम बोलेंगे पाइलोरिक एंट्रम। क्या है ये हिस्सा? पाइलोरिक एंट्रम, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। और इसके बाद यहाँ पर आपको छोटा सा कैनल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक कैनल, जो कहाँ ओपन होगा? डियोडिनम में। इसकी ओपनिंग यहाँ गार्ड करने के लिए फिर से एक स्पिंक्टर रखा है, इसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर। ये स्पिंक्टर अब यहाँ रखने की क्या जरूरत पड़ी? फूड की जब यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस शुरू रहेगी तब फूड बिना
बिना प्रॉपर यहाँ पर काम हुए आगे नहीं सरके, इसीलिए हमने यहाँ पर भी एक गार्ड लगाया जिसको हम बोलेंगे पायरोरिक स्फिंक्टर। यानी स्टमक कैसा है, स्टमक तीन हिस्सों में मेनली डिवाइडेड है। पहला है कार्डियक पार्ट, दूसरा है फंडस जो बॉडी से एक्सटेंड होगा, और तीसरा है पायरोलिक एंट्रम। ओके, ये हुआ स्टमक के बारे में। अब स्टमक जो यहाँ प्रेजेंट है, स्टमक को अगर आप देखो तो इंटरनली इट इज लाइन बाय रूग लाइक स्ट्रक्चर, न्यूमरस लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स, इस तरह की पूरे के पूरे स्टमक में ये प्रेजेंट होगी। अब इनको यहाँ रखने का क्या पर्पज है, ये जो फोल्ड्स है ये पूरे सरफेस एरिया को बढ़ाएगी, साथ साथ में फूड के मिक्सिंग में भी मदद करती है। ओके, क्लियर है, ये लॉन्जिट्यूडनल फोल्ड्स जिनको हम क्या बोलेंगे, रूग, ये क्या काम करेगी, ये सरफेस एरिया को बढ़ाएगी और साथ साथ में फूड के डाइजेशन में भी यहाँ पर मदद करेगी। नाउ जो स्टमक है, ये स्टमक का मेन फंक्शन क्या है, स्टमक का मेन फंक्शन है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब क्या, जो भी फूड माउथ से वहां पर प्रॉपरली चीव डाउन होकर नहीं आया है उसको यहाँ पर चीव डाउन करना है, यानी कि यहाँ पर उसको ब्रेक डाउन करना है। चीव डाउन मतलब यहाँ क्या बोलना है, ब्रेक डाउन, उसी को हम बोलेंगे मैकेनिकल डाइजेशन। और उसके साथ साथ उस फूड में केमिकल्स को डालकर केमिकल डाइजेशन भी करना है ताकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाए। अब ये जो डाइजेशन करने के लिए यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी जो कि केमिकल्स का सिक्रीशन करेगी। कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, जो कार्डियक पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे कार्डियक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो फंडस और बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होगी उसको बोलेंगे फंडिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और जो पायलोरिक हिस्से में प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे पायलोरिक गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। यानी मेनली ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितनी हुई, थ्री टाइप्स, नंबर वन कार्डियक गैस्ट्रिक, नंबर टू फंडस गैस्ट्रिक, एंड नंबर थ्री दैट इज पायलोरिक गैस्ट्रिक। ये जो फंडस है, ये फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इस पूरे हिस्से में प्रेजेंट होगी। क्लियर है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कितनी है, तीन। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का मेन फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। पूरे दिन में बॉडी 2 से 3 लीटर तक गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। ये गैस्ट्रिक जूस में जितने भी जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट है ये एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। ओके, नाउ अगर हम ये जो देखो, ये कार्डियक पार्ट और जो यहाँ पर पायरोलिक एंट्रम की जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है ये मेनली म्यूकस सिक्रीट करती है। अब म्यूकस क्या है, म्यूकस मतलब स्टिकी सब्सटेंस। स्टमक के अंदर जो पीएच, गैस्ट्रिक जो पीएच है वो कैसा है, अभी मैंने आपको बताया ये एसिडिक पीएच है। इस एसिडिक पीएच से स्टमक का ऑटो डाइजेशन यानी खुद ही उसकी सेल्स डाइजेस्ट नहीं हो जाए इतना एसिडिक पीएच होने की वजह से, तो वहां पर प्रोटेक्शन के लिए ये म्यूकस की लेयर बनी रहेगी जो कि स्टमक को ऑटो डाइजेशन से बचाएगी। ओके, नाउ अगर हम फंडस ग्लैंड की बात करें तो इनके अंदर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कैसी दिखती है, नाउ लेट्स सी टुवर्ड्स द फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये ट्यूबुलर है, किस तरह दिख रही है, ट्यूबुलर सिंपल एंड कॉलमनार। कैसी है ये, ट्यूबुलर सिंपल एंड कॉलमनार। ओके, इनके अंदर 4 प्रकार की सेल्स होती है। ये कौन कौन सी सेल्स है, सबसे पहली सेल्स है गोब्लेट सेल्स। ये सेल्स क्या करती है, ये नेक, और ये देखो ये जो हिस्सा है ये नेक है और ये सरफेस यानी ऊपर का हिस्सा है। अब ये ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होगी, जो स्टमक होगा यानी कि पूरा के पूरा गट, माउथ टू एनस, ये जो है ये 4 लेयर से बना हुआ है। सबसे बाहरी लेयर नोन एज सिरोसा। देखो अगर हम गट की बात करें तो गट कितने लेयर से बना होता है, 4। सबसे बाहरी लेयर सिरोसा, उसके अंदर की लेयर मस्क्यूलरिस, फिर उसके अंदर की लेयर सब म्यूकोसा, और सबसे अंदर की लेयर म्यूकोसा, और इसी म्यूकोसा में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स गैस्ट्रिक पिट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। ओके, अब आपको लोकेशन अच्छे से समझ गया, ये कहाँ प्रेजेंट होगी, दिस विल बी प्रेजेंट ओवर हियर, और कहाँ, इन म्यूकोसल लेयर। कौन से लेयर में गट के प्रेजेंट होगी, म्यूकोसा में। अब पहली कौन सी है, गोब्लेट सेल्स, ये क्या सिक्रीट करेंगी, म्यूकस।
ताकि यहाँ पर जो है जो पीएच इतना ज्यादा है यहाँ पर उसका इफेक्ट स्टमक के लाइनिंग पर ना हो, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या किया, म्यूकस का सिक्रीशन कर दिया। ये सरफेस एरिया में नेक में प्रेजेंट होगी। उसके नीचे की जो सेल आपको दिखाई दे रही है, दिस पोर्शन, दिस सेल्स आर नोन एज ऑक्सेंटिक सेल्स और पराइटल सेल्स। इनका मेनली काम क्या है, इनका मेन काम है एससीएल को सिक्रीट करना और साथ साथ में कैसल फैक्टर को सिक्रीट करना। अब क्या है ये एससीएल और कैसल फैक्टर, एससीएल डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर हम पूरे गैस्ट्रिक जूस की बात करें तो 0.05 से 0.3% ओनली एससीएल प्रेजेंट होगा गैस्ट्रिक जूस में, ओके, ज्यादा क्वांटिटी में नहीं प्रेजेंट होगा। और उसके साथ कैसल फैक्टर क्या है, कैसल फैक्टर ये विटामिन B12 का डाइजेशन करने में और एब्सॉर्प्शन करने में मदद करने वाला फैक्टर है। ये दोनों भी ये ऑक्सेंटिक सेल्स, जिनको हम पराइटल सेल्स भी बोलते हैं, ये सिक्रीट करेगी। उसके बाद की जो अगली सेल्स है इनको हम पेप्टिक सेल्स, जाइमोजेंस और चीफ सेल्स भी बोलते हैं। अब ये क्या काम करती है, इनके जो ये सेल्स है ये एंजाइम्स को सिक्रीट करती है, जैसे कि पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको एक्टिव किया जाता है पेप्सिन में और फिर वो प्रोटीन को वहां पर डिग्रेड करने में मदद करता है। उसके साथ साथ में यहाँ पर अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो इन्फेंट्स में क्या होता है, वो मिल्क पर डिपेंड होते हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट के लिए। इस मिल्क को डाइजेस्ट करने के लिए देखो, सिर्फ ओनली इन इन्फेंट, नॉट इन एडल्ट, एडल्ट में ये एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा। इसका नाम क्या है, प्रोरेनिन। ये प्रोरेनिन रेनिन में कन्वर्ट होगा और फिर मिल्क का डिग्रेडेशन हो सकता है, ओके। नाउ ये कौन सिक्रीट करेगा, ये जो है हमारी चीफ सेल सिक्रीट करेगी। हमारी लास्ट सेल जो है वो है जी सेल्स, जो यहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये सेल्स क्या करती है, ये सेल्स गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रीट करती है। कितने प्रकार की हमने सेल देखी, पहली हमने देखी गोब्लेट सेल्स, फिर हमने देखी ऑक्सेंटिक सेल्स, फिर हमने देखी पेप्टिक सेल्स और लास्ट हमने देखी जी सेल्स, ओके। ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड का स्ट्रक्चर, जिसमें हमने मेनली किसको पढ़ा, दैट इज फंडस, जो कि फंडस गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो यहाँ पर प्रेजेंट होती है। क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूस को। गैस्ट्रिक जूस क्या है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर म्यूकस है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर एससीएल है, इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट है और बहुत सारे फैक्टर्स जो कि डाइजेशन में मदद करते हैं। स्टमक का सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल होगा डाइजेशन में वो होगा सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। तो लेट्स स्टार्ट विथ फंक्शन ऑफ स्टमक। स्टमक क्या क्या काम करेगा, स्टमक सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एससीएल प्रेजेंट है इस ये यहाँ पर एसिडिक पीएच को मेंटेन करेगा। ये एसिडिक पीएच क्या करेगा, ये दो प्रकार के काम करेगा, एक तो डाइजेशन में मदद करेगा, खाने को सॉफ्ट बना देगा, साथ साथ में जितने भी बैक्टीरिया नोइंगली अननोइंगली खाने में आ चुके हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने में मदद करेगा ताकि कोई भी फूड बॉर्न इन्फेक्शन न हो। उसके साथ साथ जो स्टमक है ये दो प्रकार के और काम कर रहा है, मैकेनिकल डाइजेशन भी कर रहा है तो केमिकल डाइजेशन भी कर रहा है, ओके। दिस इज अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्टमक एंड एसोसिएटेड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इफ यू वांट टू कीप योर स्टमक हेल्दी तो फॉलो वन रूल, ड्रिंक ऑल सॉलिड एंड ईट ऑल लिक्विड, ओके। होप टुडेज लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। हैव अ नाइस डे एवरीवन।